हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल रंबल पेपर व्यू के लास्ट मिनट शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, रॉयल रंबल पेपर व्यू में हमें बहुत सारे सरप्राइजिंग, शॉकिंग एंड लेजेंडरी मूवमेंट्स देखने मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इसी रॉयल रंबल से जुड़े हैं बहुत सारे बड़े सस्पेंस जो हम आपको रिवील करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये रहे रॉयल रंबल के लास्ट मिनट शॉकिंग अपडेट्स। पहले बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस बैरन कॉर्बिन की फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच के बारे में। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मैच पूरे अरेना में, रिंग में और इवन बैक स्टेज भी खेली जा सकती है। और दोस्तों, इस मैच में काफ़ी ब्रूटैलिटी भी होगी। जैसे आपको पता होगा कि जब ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंज की राइवलरी चल रही थी, तभी दोस्तों हमें इन दोनों के बीच काफ़ी ब्रूटल स्टफ देखने मिले थे। और वही सेम चीज़ हमें देखने मिल सकती है इन दोनों के बीच। कॉर्बिन ने बहुत सारा ह्यूमिलिएट किया है रोमन रेंज को इतने मंथ से। तो दोस्तों, वंस एंड फॉर ऑल रोमन रेंज अपना रिवेंज लेना चाहेंगे कॉर्बिन से। और दोस्तों, बैक स्टेज रोमन रेंज का हमें कुछ इस तरह का एक स्पॉट देखने मिल सकता है कि जहां पर एक व्हीकल भी इन्वॉल्व होगी। इन शॉर्ट दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि ये मैच एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, पर काफ़ी चांसेस है कि इसमें रोमन रेंज ही विक्टोरियस होंगे। और दोस्तों, अब बात करें 30-man रॉयल रंबल मैच की, तो बस 4 एंट्रेंट्स की जगह बाकी है उस मैच में। अब दोस्तों, कुछ बड़े सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स की अपडेट आई है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ एज के बारे में। एज ने पहले रिवील किया कि वो नहीं आएंगे रॉयल रंबल में, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो रॉयल रंबल में होंगे उनकी वाइफ बेथ फिनिक्स को चीयर करने के लिए। इसका मतलब बेथ फिनिक्स भी आ सकती है विमेंस रॉयल रंबल मैच में। नेक्स्ट दोस्तों, जॉन सीना की बात करें तो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रॉयल रंबल वाली पिक्चर डाली है, जिससे उन्होंने हिंट भी दिया है कि शायद वो आ सकते हैं रॉयल रंबल में। थर्ड दोस्तों, बात करें अंडरटेकर एंड बिग शो की। अंडरटेकर एंड बिग शो भी ह्यूस्टन टेक्सास में है, जहां पर रॉयल रंबल होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें केन वेलेस्कस की, तो केन वेलेस्कस ने खुद ही डिक्लेयर किया था कि वो रॉयल रंबल मैच में आने वाले हैं, बट स्टिल WWE ने उन्हें लिस्ट नहीं किया है उनके कन्फर्म एंट्रेंट्स में। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार जो आ सकता है 30-man रॉयल रंबल मैच में, वो है MVP। एक्चुअली दोस्तों, जहां पर रॉयल रंबल होने वाला है, मतलब मिनट मेड पार्क में, वहां पर फैंस ने ये नोटिस किया उनके बिग स्क्रीन पर कि MVP ये लेटर्स बड़े ग्राफिक में दिखाई दे रहे थे उस स्क्रीन पर। मतलब प्रोबेबली WWE टेस्ट कर रहे हैं MVP के एंट्रेंस म्यूजिक उस बड़े स्क्रीन पर। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेन मैकमैन भी बैकस्टेज होने वाले हैं रॉयल रंबल में। शेन ने अब तक शो ऑफ नहीं किया था एवर सिंस वो KFM फायर्ड हुए थे स्मैकडाउन में। अब जाकर वो होने वाले हैं बैकस्टेज रॉयल रंबल में। तो दोस्तों, ये बड़े सुपरस्टार्स की न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जिन्होंने एक टाइप से हिंट दिया है कि वो हो सकते हैं रॉयल रंबल में। अब यहाँ पर सिर्फ 4 एंट्रेंट्स ही बाकी है, तो फिर हमें देखना होगा कि WWE अगर इन 6 सुपरस्टार्स को लाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं उन 30 स्पॉट्स में। ये भी हो सकता है कि अगर कोई हील मेंबर इन 6 में से आता है, तो वो किसी लुखे एंट्रेंट को मार के उसका स्पॉट ले सकता है मैच में। या फिर दोस्तों, WWE हमें ये सरप्राइज दे दे, ये 30-man रॉयल रंबल की जगह 40-man रॉयल रंबल मैच है, तो फिर सारे लोग इंक्लूडिंग द लेजेंड्स आराम से फिट हो जाएंगे इसमें। सो लेट्स सी दोस्तों, क्या होता है इन द रॉयल रंबल मैच, कौन शो अप करता है, कौन नहीं, कौन किसे एलिमिनेट करता है और कौन जीता है ये रॉयल रंबल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमें ये होप करना होगा कि शो अच्छा जाए। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, आप कितने एक्साइटेड हैं फॉर रॉयल रंबल, एंड सेकेंड, आप इन 6 बड़े नाम में से किसे देखना चाहेंगे रॉयल रंबल मैच में। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।